हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेल, हैप्पी एट योर होम एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द ऑनलाइन स्टडी. ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर फ्रॉम द इंग्लिश ग्रामर बुक. सो मैं आपको बता दूंगी आपको इसमें क्या क्या लिखना होगा अपनी नोटबुक में, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बुक में ही सफिशियंट है आपके प्लेस है लिखने के लिए. ओके, व्हाट इज़ फोनिक्स? फोनिक्स क्या है? देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हाउ मेनी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? 26 लेटर. ओके, डिड यू नो दैट दे आर डिवाइडेड इनटू वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? आपको पता है कि दो भागों में डिवाइडेड है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में. ईच लेटर इन द अल्फ़ाबेट हैज़ डिफरेंट साउंड्स. सभी लेटर्स जो भी होते हैं अल्फ़ाबेट के, उनके पास एक अपना डिफरेंट साउंड होता है. दे आर कॉल्ड फोनिक्स. ठीक है, हर लेटर का एक अलग अपना साउंड होता है और उस साउंड को ही फोनिक्स कहते हैं. जैसे कि ए है तो ए का फोनिक क्या हुआ? आ आ. ठीक है, बी का ब. एंड फोनिक्स हेल्प अस टू रीड बाय यूजिंग द साउंड्स ऑफ लेटर इन अ वर्ड. ओके, लेटर ए ई आई ओ यू आर 5 वॉवेल्स. हाउ मेनी वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? 5. विच वंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल. नंबर 1 ए, नंबर 2 ई, नंबर 3 आई, नंबर 4 ओ, नंबर 5 यू. ए ई आई ओ यू आर द 5 वॉवेल्स. ओके, द रेस्ट ऑफ लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. और जो 26 में से बाकी लेटर्स बचे हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. इट मीन्स बाकी लेटर्स मतलब 21 लेटर्स जो बचे हुए हैं, ठीक है ना, वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं. तो बच्चों, फोनिक्स में आपने क्या सीखा, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि हर अल्फ़ाबेट का एक अपना सेपरेट साउंड होता है, उस साउंड को ही हम फोनिक कहते हैं. आप डेफिनेशन में लिख सकते हो ईच लेटर इन द अल्फ़ाबेट हैज़ डिफरेंट साउंड. ओके, ईच लेटर इन द अल्फ़ाबेट हैज़ डिफरेंट साउंड्स. देयर आर कॉल्ड फोनिक्स. देयर आर कॉल्ड फोनिक्स. What is phonics? Understand? Each letter in the alphabet has different sounds. There are called phonics. Sorry. There are called phonics. Okay. Phonics help us to read by using the sounds of the letter in a word. फोनिक्स हमें मदद करते हैं कि किस तरीके से वर्ड को रीड करें, क्या बोले उस वर्ड को. जैसे कैट है, ये देखो बेटा एक फिगर बना है आपका, ये देखो सी ए टी कैट होता है. बट आपको कैसे पता कि यहाँ पे सी यूज़ होगा? सी ए टी कैट होता है बट आपको कैसे पता कि यहाँ पे सी यूज़ होगा? नहीं पता है ना आपको. तो इसके लिए ही तो पूछ बोल रही हूँ कि सी मतलब का, सी मतलब का. तो क, हम लोग सी को क बोलते हैं, क सी ए टी कैट, क क ए ट. तो इसका फोनिक साउंड क्या होगा? क. ए का फोनिक साउंड अ, टी का फोनिक साउंड ट. तो इस तरीके से हम ये पूरा वर्ड रीड कर लेते हैं. क आ ट कैट. रिपीट वन सेकेंड विद मी. क आ ट कैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, इसी तरीके से बेटा देखो ये स्पेलिंग में मिसिंग लेटर है तो आप इस फिगर को देखकर समझ रहे होंगे कि ये फिगर क्या है. आंट, आंट. तो यहाँ पर आंट की स्पेलिंग क्या होगी? ए एन टी. आ आ आ किससे लिखा जाता है? ए से. ठीक है, आ ए से. न ट आंट, आंट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है इसको फिल करना है. ओके, तो ये जो एक्सरसाइज ऊपर आपको दिख रही है, ये देखो बेटा फिश कैट, ये देखिए. ठीक है, इसमें आपको स्पेलिंग लिखनी है ऊपर जो फिगर बना है उसकी, और उसको प्रोनाउंसिएशन करके भी एक ऑडियो भेजनी है. ये 6 लेटर लिखने हैं यहाँ पर और एक वर्ड बन जाएगा.